पश्चिम बंगाल में हुए चुनावों के बाद हुई निंदनीय हिंसा के विरोध में चंबा में हिगगिरी कल्याण आश्रम का एक दल उपायुक्त चंबा से मिला। इस दौरान हिगगिरी कल्याण आश्रम के सदस्यों द्वारा उपायुक्त चंबा के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा गया, जिसमें इन मामलों पर विरोध जाहिर करते हुए इन मामलों में शामिल लोगों पर कार्यवाही की मांग को उठाया गया। आज हम जिलाधीश महोदय को एक ज्ञापन देने आए हैं, जिलाध्यक्ष हिगगिरी कल्याण आश्रम और उनकी सारी ये टीम के साथ। पश्चिम बंगाल में जो चुनावों के दौरान अमानवीय कुछ घटनाएं हुई हैं उनको लेकर देश भर में एक अभियान चला है, तो इसी संदर्भ में हम हिगगिरी कल्याण आश्रम हिमाचल प्रांत के जिला चंबा की इकाई की ओर से जिलाधीश महोदय को आज ये ज्ञापन देने आए हैं। आप बड़ी अमानवीय घटनाएं हम सब ने टीवी पे, समाचार पत्रों में नित्य दिन जो कुछ अभी तक भी जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है, तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ये ज्ञापन उपायुक्त महोदय के माध्यम से आज चंबा कल्याण आश्रम की टीम द्वारा सौंपा गया है, ताकि ये जो कुछ भी हो रहा है इस पर अमल किया जाए। इसको विशेषकर जो जनजातीय लोग, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उन पर जो प्रताड़ना उस क्षेत्र में हो रही है वो अमानवीय है, वो तो उसी संदर्भ को लेकर हम सब आज यहाँ उपस्थित होकर ये हमारे राष्ट्रपति महोदय को ये ज्ञापन महोदय के माध्यम से भी भेजा। हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का YouTube चैनल और Facebook पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंबा हलचल।